हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम डायमेंशन लिख रहे थे. कि कोई भी यदि फिजिकल रिलेशन दिया हुआ, फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, तो उसका डायमेंशन कैसे लिखें. देखो, यहाँ तक जो था वो क्या था, रटना था, क्योंकि बिना फार्मूला, आपको यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप डायमेंशन नहीं लिख सकते. लेकिन अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें रटना नहीं है, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है. इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए. इसमें ऐसे नहीं है कि आपको फार्मूला याद है तभी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है. तो अभी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये क्या कहता है कि कोई भी यदि मैथमेटिकल फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं, है ना, उनको उनका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. ऑल टर्म्स इन अ गिवन रिलेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन विल हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, LHS और RHS. इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन अ गिवन फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम, मस्ट बी सेम. जैसे एक एग्जांपल देख लो कि यहां दिया हुआ x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस c, वेयर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है. तो आपसे पूछा जाएगा कि a b एंड c का डायमेंशन बताओ, ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c. तो देखो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जितने भी टर्म्स हैं किसी भी इक्वेशन में सबका डायमेंशन अलग अलग क्या होगा, इक्वल होगा. तो हमने यहां लिखा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, सी. जितने भी टर्म्स इसमें कनेक्टेड हैं, जितने भी टर्म यहां प्रेजेंट हैं, उन सबका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. क्या होगा, डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. समझ में आया ना. तो अब देखो यहां से हमने क्या किया, एक्स का तो डायमेंशन अपने को मालूम है यार, एक्स का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा. लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है. तो हमने यहां से इसका डायमेंशन देखो, सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा. यहां से हम ए बी का डायमेंशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल. ऐसे नहीं है कि मैं आपसे बोलूं कि दो एप्पल ले लो और दो मैंगो हो तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा. तो पहले आपको गधे और घोड़े का एडिशन सीखना चाहिए, है ना, कि आपसे मैं बोलूं कि दो गधा है और दो घोड़ा है तो कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, चार क्या बता सकते हो, आप बोलोगे 2 + 2 = 4 क्या बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते यार. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि सेम नेचर के क्वांटिटी को ही क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. मास को एक्सेलेरेशन के साथ हम कभी ऐड नहीं कर सकते हैं. जब भी हम ऐड करेंगे तो टाइम को टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं, मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐड कर सकते हैं. सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को, डिफरेंट नेचर के फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. यही क्या बोलता है, फिजिकल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, ठीक है. तो आपको क्या दिया रहेगा, ऐसे कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि डायमेंशन फाइंड आउट करो. जैसे दूसरा, तो सिंपल याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन द गिवन फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन मस्ट बी क्या होगा, इक्वल होगा. जैसे एक और एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल से If, क्या होगा, if यहां देखो, if displacement of a
पार्टिकल इज क्या होगा गिवन गिवन एज क्या होगा x इक्वल टू a प्लस b अपॉन a प्लस क्या होगा 2t आई मीन 2ct प्लस d ऐसे दिया हुआ है। आप बोलो कि सर ये एग्जिस्ट करेगा क्या यार, करेगा या नहीं करेगा ये मुझे भी मालूम नहीं। वेयर ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है और टी क्या है टाइम है। देखो ये ध्यान से, देन फाइंड ठीक है वेयर क्या है टी क्या है टाइम है, देन फाइंड फाइंड क्या है फाइंड डायमेंशन, ये पूछा जाएगा आपसे। डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड क्या होगा ठीक है टी क्या है टाइम है याद रखना है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगेन क्या है प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होमोजेनिटी क्या होगा डायमेंशन ऑफ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या है डायमेंशन ऑफ आई मीन डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन a प्लस क्या होगा आई मीन a मत लिख लो यहाँ यहाँ a मत लिखो है ना यहाँ p लिख दो या m लिख दो सबसे अच्छा या p लिख दो a b P है ना ए आई मीन पी ए बी सी एंड डी ठीक है। देखो ध्यान से तो इक्वल टू क्या होगा P P प्लस क्या होगा 2CT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा D पहले ही लिख दें और फिर इसका डायमेंशन है। देखो यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा L, उसी तरह डायमेंशन ऑफ D is equal to क्या लिखेंगे dimension of L upon dimension of क्या लिखेंगे T और ये क्या हो जाएगा L T minus क्या हो जाएगा 1 ठीक है कोई doubt नहीं है ना कोई doubt नहीं है। अब देखो क्या है B and C इसका dimension मुझे क्या करना है लिखना है क्या करना है इसका डायमेंशन लिखना है। तो अब देखो यहां लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा डायमेंशन ऑफ बी अपॉन क्या होगा पी प्लस डायमेंशन ऑफ बी अपॉन क्या होगा डायमेंशन ऑफ पी प्लस क्या होगा टू सी टी इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एल। अब देखो ध्यान से इभी एक तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। अभी भी याद रखना कि इसका और इसका डायमेंशन दोनों का क्या होगा सेम होगा क्या होगा इसका और इसका तो ए यहां ले लो सॉरी ए ही रख लो यहां भी नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ए रहने दो ठीक है तो आसान हो जाएगा थोड़ा यहां ए भी लिख लो है ना ठीक है। अब देखो यहां से हम एक और इससे लिख सकते हैं देखो कि इससे भी क्या है मैंने क्या बताया कि हर जगह जहां भी प्लस माइनस तो यहां क्या हो जाएगा एक और पॉइंट आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ टू सी टी तो यहां से सी टी का जो डायमेंशन होगा अब देखो क्या हो जाएगा यहां से सी का डायमेंशन मिल जाएगा तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा देखो ए का डायमेंशन क्या है एल तो यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एल अपॉन क्या होगा डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ सी। देखो टू क्या है डायमेंशन लेस है मैंने कई बार बताया था तो यहां से आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा एल टी माइनस क्या हो जाएगा ऑफ डायमेंशन ऑफ ए। देखो तो अब इस ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी ए यदि क्या है डिस्टेंस है तो इसका भी टोटल का डायमेंशन क्या होगा डिस्टेंस होगा तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा
b will be equal to क्या होगा l square. समझ में आया ना? तो dimension of b is equal to क्या होगा? Dimension of square. तो यहां से आसानी से, ठीक है. उसके बाद इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट है, देखते ध्यान चाहिए कि डायमेंशन ऑफ, अब देखो आर्गुमेंट क्या होता है, ध्यान देना. सबके से याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, आई मीन एक्सपोनेंशियल टर्म इज क्या होगा, डायमेंशन, ठीक है. जैसे देखो क्या होगा एक्सपोनेंशियल टर्म, मैं आपसे बोलूं, देखो ध्यान से कि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a e रेस टू a x प्लस क्या हो जाएगा bt, ठीक है. ऐसे कुछ दिया हुआ है, या ऐसे लिख लो, यहां अल्फा एक्स प्लस क्या है बीटा दिया, ऐसे, ठीक है. वेयर वाई क्या है, तो यहां ध्यान देना है, इस फॉर्म क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ये वाला. एक्सपोनेंशियल टर्म बोलेंगे, e के पावर में दिया हो, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, आर्गुमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट. तो याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा. जैसे आपसे कोई पूछे, देखो ध्यान से, e रेज टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी का डायमेंशन बताओ, तो क्या होगा, एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू जीरो, ठीक है. उसी तरह आर्गुमेंट का डायमेंशन याद रखना है, आर्गुमेंट का जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू जीरो. आई मीन पावर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होगा. आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये ध्यान. तो यहाँ से देखो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस कब होगा, अब आप बता सकते हो. यहाँ से पूछा जाए आपसे कि ए अल्फा, वेयर वाई क्या है, वाई आप डिस्प्लेसमेंट मान लो, ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है. आई मीन ई के पावर जो होगा वो क्या होगा, टोटल डायमेंशन लेस होगा. आर्गुमेंट जो होगा ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है. तो अब ये डायमेंशन लेस देखो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा वाई, और इज इक्वल टू क्या होगा, एम रेज टू जीरो, एल टी रेज टू जीरो, ठीक है. अब ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा ना यार. अब आप बताओ ये डायमेंशन लेस, देखो तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा. आई मीन क्या हो जाएगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू. अब देखो यहां से मैंने अब यहां एक टर्म तो लिख दी, उसके बाद हम लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देखो तो अल्फा एक्स का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स क्या है, डिस्टेंस मान लेना, सिंपल है ना. तो देखो यहां से और इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, देखो ये डायमेंशन लेस, ये टोटल डायमेंशन लेस है. आई मीन इसको भी क्या होना चाहिए, दिस शुड भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, और इसको भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस.
तभी तो इनका सम डायमेंशन लेस होगा यार। अब देखो ये क्या है, एक्स है, तो ये क्या होगा, वन अपॉन एक्स हो जाए तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा क्या? तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एल के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना हो तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे अभी मैं कई पॉइंट बताऊंगा तुमको कि क्या होगा, कि ऐसे दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होगा या टर्म होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। उसका जो आर्गुमेंट होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। दूसरा जो टर्म हम देखेंगे अभी, देखो ध्यान से, उसके बाद हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड देयर एंगल, उसको भी हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, देयर आर्गुमेंट, ठीक है, आर आल्सो क्या होगा, डायमेंशनलेस। सेकंड जो पॉइंट है नोट में वो लिखते जाना है कि ऑल क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक क्या होगा, फंक्शन एंड देयर एंगल, देयर एंगल्स आर क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो कि y क्या है, आगे पढ़ेगो, y इक्वल टू क्या दिया, a साइन ऑफ क्या दिया हुआ है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ये दिया हुआ है। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टाइम। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देखो ध्यान से, फाइंड डायमेंशन ऑफ किसका किसका, ए कॉमा ओमेगा एंड के, ठीक है। तो पहले मैंने क्या क्या बताया था, देखो यहां क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, देखो अब गिवन क्या है, गिवन कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए साइन है ना के एक्स प्लस क्या है, ओमेगा टी, प्लस माइनस कोई, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, या ये एंगल बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलो और क्या बोलो इसको, एंगल बोलो, जो बोलना हो आप बोल सकते हो, या इसी को फेज भी बोलते हैं आगे तुम देखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि साइन और ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, बताया था क्या। तो हम बोल सकते हैं कि देखो ये क्या हुआ, ये वाला टर्म क्या हो गया, देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, ए विल बी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वाई, ठीक है, और वाई डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब क्या है, उसके बाद क्या है, अगला जो पॉइंट है कि आर्गुमेंट जो होगा, आर्गुमेंट और इसी को क्या बोलेंगे, एंगल भी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब क्या है, ये टोटल डायमेंशन लेस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या होना चाहिए, हर टर्म का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, हर टर्म जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन। तो हम यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, होमोजेनिटी की डायमेंशन ऑफ क्या होना चाहिए, कि एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए,
मीन डायमेंशन लेस होना चाहिए यार। अरे दो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देखो क्या होना चाहिए, आई मीन डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स के पावर माइनस वन, और इसको क्या लिखेंगे, एम रेस टू जीरो एल माइनस वन टी रेस टू जीरो। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या लिखेंगे यार, डायरेक्ट लिख सकते हैं एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू क्या होगा, माइनस वन। तो क्या करना है कि आपको, तो ये ऑल जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये ध्यान देना है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, और उनका एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, आई मीन आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, इसके बाद लॉग वाला जो टर्म होता है, और भी याद रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, याद रखना है। अगला जो पॉइंट है अगेन क्या लिखना है, ये मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर आर्गुमेंट आर्गुमेंट आर डायमेंशन लेस। ठीक है, क्या होगा, डायमेंशन लेस। जैसे एक एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ, y इक्वल टू a अपॉन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय t, या x आई मीन साइन इनवर्स ऑफ ax अपॉन क्या होगा, dt, ऐसे दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, मैं एक ही, इसको साइन इनवर्स ऑफ पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी टी, तो ये हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, आर्गुमेंट, ठीक है, और दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यदि यहां अगेन यदि एग्जांपल लिख दूं, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, आई मीन क्या होगा, अब यहां से हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहां से यदि x क्या है, x डिस्टेंस है मान लो, और t क्या है, टाइम है, तो आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना नहीं चाहिए, होगा, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ax अपॉन bt भी हो गया, ax अपॉन bt को भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। आई मीन हम बोल सकते हैं कि ax अपॉन जो bt होगा इसका डायमेंशन क्या होगा, m रेस टू जीरो l रेस टू जीरो t रेस टू जीरो। अब एक चीज है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाला जो होना चाहिए वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो यहां से बोल सकते हैं कि देखो इसका और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ax का जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, bt के डायमेंशन से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ a अगेन इज इक्वल टू क्या होगा, l के पावर माइनस वन, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, t के पावर क्या होगा, माइनस वन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं, जैसे देखो tan inverse ऑफ x प्लस b, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सब क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है।
कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा ए एक्स प्लस बी, बी क्या होगा डायमेंशन है इसका, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये सब क्या होगा डायमेंशन है इसका। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब आते हैं लॉग फंक्शन, है ना, देखो जैसे यहाँ क्या है ऐसे दिया हो, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है वो भी क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। जैसे देखो क्या होगा कि लॉग ऑफ क्या होगा ए एक्स प्लस बी टी का जो ये क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। यहाँ इसका आर्गुमेंट भी होगा वो भी क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, क्या होगा ये जो आर्गुमेंट होगा वो भी क्या होगा तो लॉग वाला जो टर्म होगा वो भी क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, उसका आर्गुमेंट होगा वो भी क्या होगा आई मीन डायमेंशन ऑफ क्या होगा ए एक्स आर्गुमेंट ठीक है। तो यही क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। ठीक है कि ये टर्म क्या है, उसके बाद मैंने बताया था 2 पाई 4 पाई 1 बाई 2 ये सब क्या होता है नोट में और लिख सकते हैं, है ना, कि कोई भी आई मीन 2 पाई का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा जीरो होगा, है ना, किसी आई मीन 1 बाई 2 का भी डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको क्या करना है ध्यान देना है। ठीक है कि ये क्या करना है ध्यान आपको देना है कि कभी जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे तो अब हम आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आई मीन डायमेंशन हम पढ़ते क्यों हैं। देखो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जब क्या आप अभी हम ये डायमेंशन एनालिसिस जो पढ़ रहे हैं आई मीन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इसका बहुत बड़ा रोल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कई एप्लीकेशन है ना। पहला तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या होता है टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, है ना, आई मीन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्या होगा वन यूनिट एंड अदर यूनिट। तो जैसे मान लो कि न्यूटन और डाइन, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो इसका यूज क्या था फर्स्ट क्या है द रिलेशन बिटवीन द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आई मीन दोस डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कैसे कोरिलेट करेंगे उसका भी। दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका यूज क्या, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हम क्यों यूज करते हैं टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन आई मीन कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू डेराइव द फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस आई मीन कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसका डेरिवेशन डायमेंशन एनालिसिस से आसानी से क्या कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन बाई वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ना, तो क्या है मेनली इसका तीन एप्लीकेशन है, तो यहां हम लिख देंगे कि देयर आर थ्री एप्लीकेशंस। तो
वन बाय वन देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्या है, टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, दूसरा जो है टू डेराइव द फिजिकल इक्वेशन, आई मीन इस डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम फिजिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। वो देखेंगे कि कब किसको डिराइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वन बाय थर्ड जो एप्लीकेशन है क्या है, टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम, ऑफ यूनिट्स, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन देखेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो यहां से देखो, पहला जो फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो पहले क्या है देखो, या सिंपल है, फर्स्ट एप्लीकेशन देख दो, वन बाई वन ही मत लिखो वहां। पहला क्या है, टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे देखो, आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला सब किसी को मालूम होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, सब किसी को मालूम है s इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चाहे सिंपल एग्जांपल देख लो कि फोर्स इक्वल टू क्या है, देखो क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, तो f इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये सब किसी को मालूम है। अब LHS का डायमेंशन लिखो यार, सभी टर्म का डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या होगा, टू, ठीक है। उसी तरह हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस क्या होगा, टू। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि रिलेशन, गिवन रिलेशन इज क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं हेंस ये क्या है, देखो डायमेंशनली और फिजिकली भी क्या है, करेक्ट है। हेंस गिवन इक्वेशन इज क्या है, डायमेंशनली
डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली क्या है, फिजिकली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली और फिजिकली। दूसरा एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं, और भी एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, इसी को लिख रहा हूं एफ इक्वल टू 1/2 ma। ये आपको मालूम है कि फिजिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन देखो ये क्या है, 1/2 क्या होता है, डायमेंशनलेस है, क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो f क्या होगा, देखो यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से अभी देखा था कि डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या होगा 2, डायमेंशन ऑफ एम ए इज ऑल्सो क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या होगा 2। ये जो रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है, करेक्ट नहीं है। क्या है, फिजिकली करेक्ट नहीं है, देखो ध्यान से, क्या है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस, क्या बोल सकते हैं, हेंस एवब इक्वेशन इज क्या है, डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली नॉट करेक्ट। बट क्या है, बट फिजिकली नॉट करेक्ट, बट फिजिकली ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, समझना है, इसे मालूम चल रहा है कि कोई भी यदि फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, फिजिकली भी करेक्ट होगा, लेकिन यदि फिजिकली करेक्ट होगा तो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहां से बोल सकते हैं, जैसे देखो आप लोग सब लोग जानते हो s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इक्वेशन वन है, और दूसरा जो इक्वेशन है क्या, s इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आपको चेक करना है, तो देखो फर्स्ट से क्या लिख सकते हो, अब चेक कर रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो ए में देखो, इसका मतलब s क्या है, देखो s तुमको मालूम है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s क्या है, डिस्टेंस, u क्या है, स्पीड, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। यहां लिख देता हूं, s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है कि तुमको समझ में आया, और t क्या है, टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, अब देखो क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ l, डायमेंशन ऑफ ut, देखो तो ut इज इक्वल टू क्या होगा, u स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस क्या होगा, lt माइनस 1 इनटू t, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l, ठीक है। उसी तरह ये तो डायमेंशन लेस होगा, तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अगेन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो आप देखोगे कि बोथ ए एंड बी बोथ इक्वेशन ए एंड बी आर क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो हम लिख सकते हैं हेंस, हेंस क्या है, हेंस यहां लिख सकते हैं, हेंस इक्वेशन, इक्वेशन इन क्या है, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी आर क्या है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। बट इक्वेशन ए, आई मीन कुछ इन क्या होगा, इन ए इक्वेशन
इक्वेशन इज क्या होगा, फिजिकली करेक्ट, व्हाइल इन क्या होगा, इन बी इक्वेशन इज फिजिकली नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो यहां आप नोट में सुंदर से अक्षर में लिख लें, इफ गिवन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट विल बी ऑलवेज डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट। तो यहां लिख लेना है कि इफ गिवन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट विल बी ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। बट इफ, ठीक है, यहां लिख लेंगे सेकेंड पॉइंट में, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट देन इट मे और क्या होगा मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये ध्यान देना है कि कोई भी यदि इक्वेशन क्या होगा डायमेंशनली क्या होगा, यदि फिजिकली करेक्ट होगा तो डायमेंशनली ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन यदि वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्या चीज पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे क्या है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में और जो दो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे और फिर एरर एनालिसिस पढ़ेंगे कि एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।